तो जैसे कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में ये कनेक्शन डायग्राम आपको मैंने दिया हूं पूरा, जिसमें ए क्लास की वायरिंग आपने सीखी कैसे करनी है। कॉन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में बी क्लास का केबलिंग होता है और एड्रेसेबल में ए क्लास का केबलिंग होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चला आपको? ओके, इसमें साउंडर, आपका जो डिटेक्टर है, जो एमसीपी है, वो एक ही लूप में कनेक्ट होगा। और ये हमने क्या किया, इन से स्टार्ट किया तो आउट में एंड किया, और आउट से स्टार्ट किया तो इन में। 1200 मीटर का इसका ओवरव्यू डिस्टेंस है इन और आउट प्लस करने पर, ठीक है, 1200 मीटर। अगर 1200 के ऊपर जा रहा है, जैसे आपने आउट से निकाला केबल इन में लाना था और आपका आउट से इन के डायरेक्शन तक, मतलब बीच में आपका लगभग समझ लो 800 मीटर तक पहुंच गया, तो उसको फिर रिटर्न लाएंगे तो और 800 मीटर उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना होगा 1600। उसको वहां पे छोड़ देना है, 800 को टेप लगाकर वहां पर छोड़ देना है, कोई ईओएल लगाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। ओके, ये केबल का ओवरव्यू था जो मैंने आपको ये कनेक्शन डायग्राम के थ्रू समझाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रोटरी स्विचेस मेथड होता है ना, रोटरी स्विचेस स्पेशली हनीवेल्स वगैरह के डिटेक्टर्स आप देखेंगे, डिटेक्टर्स एमसीपी या फिर इनके जो मॉड्यूल्स हैं या फिर इनके जो साउंडर है, उसमें आपको स्विचेस दिखाई देंगे। मैंने अभी आपको नोट्स जो दिया हो, मैंने आपको जो इसका फोटोग्राफ शेयर किया हो, उसमें आप देखेंगे उसमें 0 से 9 तक और 0 से 15 तक का काउंटिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, टेंस एंड वंस, द टेंस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ ऑल दैट नंबर्स, द नंबर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्रू द नंबर 10 वैल्यू and you will get the product that will be the final number. तो ये क्या हुआ, इसका multiplier हुआ और ये क्या हुआ, numbers हुए, multiples हुए, और इनका output जो निकलेगा product निकलेगा, ठीक है। तो ये rotary method बोलते हैं इसको, rotary method बहुत ही simple है। देखिए, अगर आपको number one किसी detector को देना है, number one अगर आपको assign करना है, तो कैसे आप assign करेंगे, how will you assign the number one? Very simple. To assign a number one, put this on the number one. इसको number one पे आप सेट करें, इसको आपने as it is रहने दें zero पे, clear? और अब आप बताइए number two देना है, तो simply इस selector को आपने number two पर सेट करना है, इसको आपने as it is छोड़ देना है. Got it? Understand? Okay. अब हम 10 के ऊपर जाते हैं, जैसे कि आपने देना है number 12, तो कैसे देंगे? इसको आपने सेट कर देना है वन पे, सो 10 यहां से मिला और यहां से हमने इसको 2 पे सेट कर देना है, सो 10 + 2 = 12। इस तरह से 12 आपका प्रोडक्ट हुआ और 12 फाइनली आपने इसको नंबर दे दिया। अब मुझे बताइए नंबर 75 अगर देना है तो कैसे देंगे? 75 कैसे देंगे, आंसर करिए। 7, 10, 7, 5। ओके, गुड। यहाँ पर 7 पर इसको सेट करना है सिलेक्टर को, और यहाँ पे इसको 5 पे सेट करना है। गॉट इट? इस तरह से 75 हमने दे दिया, सभी को समझ में आ रहा है? राहुल, अब आप बताइए 65 नंबर कैसे असाइन करेंगे? 10 से 6 क्लिक करेंगे। ओके, और 5 पे 1 क्लिक करेंगे। ओके, 5 60 यहाँ से मिला और 5 यहाँ से मिला, तो इस तरफ हम 10 को 6 पे सेट करेंगे और इस तरफ ये 5 पे सेट करेंगे, ये मिलता है 60 और ये मिलता है 5। एक तरह से ये एक्सपांडेड फॉर्म है। देखिए 65 है तो 65 कैसे बना, एक्सपांडेड फॉर्म मैथ्स वगैरह में आपने सीखा होगा, 60 + 5 = 65, दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म जो बन रहा है उसको एक्सपांड करके देख लो, ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करना है, इन दोनों की वैल्यू को, दैट्स अ वेरी सिंपल। अब मुझे बताइए 112 112 नंबर अगर मुझे बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा 112? 112, हाँ जी 112 सर, 11 पे क्लिक करेंगे, हाँ जी 11 पे 110 मिला और दो करेंगे इसमें 110 और यहाँ पर मुझे दो पे से 11 से मुझे मिला 110 और 2 से मुझे मिला 2 मिला ना, 110 + 2 कितना हुआ 110 + 2 = 112। क्या ये सबको समझ में आया आपको? जी सर, गॉट इट, सिंपल, फिनिश दैट। इसके बाद मैं अगला मेथड आपको बता रहा हूँ, डिप स्विचेस वाला, DIP स्विचेस, ठीक है। पहले ये रोटरी मेथड आप नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको डिप स्विचेस बताता हूँ।